है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह बिकवाना दे कहीं मेरी दुकान वगैरह, कुर्सी तो बन चुकी है मेरे लीडरों का खेल, संगीन होना जाए ये बहरान वगैरह, म्यूजिकल चेयर है जारी, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बहुत पुराने स्कूल के आप हेडमास्टर लग रहे हैं। फिर तो मैं सही जगह आया हूँ। शिगिर्द भी तो पुराने जिन्होंने जाले लगे हुए, साढ़े छे छे तो शनाख्ती कार्ड बन गए। एक दिन ना मोटरसाइकिल तेज जा रहे, मैं कहा किधर जा रहे जे? कहते मैं सौरियों को खर्चा लैन चला। सौरे गए तो सालियां ना लड़ पे, उन्होंने बहुत कुटिया, फिर बाहर निकल के कहते शुक्र करो मैनू गुस्सा नहीं आया। ससुराल जाके शिकायत कर रहे हैं अपने ससुर से, कहते ने मेरी वाइफ मेरे साथ बदतमीजी बहुत करती है। अच्छा, अगर ससुर कहने लगे बस बेटे उसको खामन भी तो अच्छा नहीं ना मिला। ना तो ससुर वासे बिन पूछ रहा कि मैं तुहाड़े वास्ते की कर सकना, ते गुस्से च कहंदे जे इन्ना ही प्यार कर दे फिर मैनू किस्तां ते मोबाइल लैके दियो। मेहमान को एक्टर है जनाब इमाद भट्ट। उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल बुशरा जमील। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों पर्सनैलिटी मेरी बड़ी पसंदीदा है जी, और दोनों एक साथ तशरीफ लाई हैं। शेर भी मैंने लिखा है बिल्कुल एक साथ। टीवी ड्रामों और कमर्शियल्स की दुनिया के दो फनकार, एक उमाद भट्ट भी हैं और एक्टर भी, इनके पहलू में जलवागर हैं एक रोशन कंदील, फैशन की दुनिया की ठाकुर प्यारी बुशरा जमील। मेरे बाजों रह सकना है। अच्छा जी। मेरे बाजों रह सकना है, होना नहीं कह सकना है। मैं रंग ते रूप नहीं वेंदा। अच्छा। मैं रंग ते रूप नहीं वेंदा, मेरी छावे बह सकना है। ये नहीं करना चाहिए था जो उसने किया है, उस बेवफा ने मुझे धोखा क्यों दिया है। एक बात हमें सच बता दें बट साहब, जब शैंपू खत्म हो जाता है बोतल में पानी डाल के यूज किया है। एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, तुसी पैसे मंगे होने हो तुको। बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। क्या हाल है आपके? मान सर ठीक ठाक। शायरी से दिलचस्पी आपको? बस सर पढ़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, पढ़ते हाँ, रहते हैं हाँ। ये थोड़ा थोड़ा आपका ताल्लुक जो है वो कौन से शहर से है? लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है, और यहीं पे आपने इब्तदाई तालीम भी सारी हासिल की। इब्तदाई बल्कि आपने आई थिंक यू डिड योर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स फ्रॉम जी लाहौर एज वेल। बिल्कुल। तो ये एक्टिंग कहाँ से आई? ये बड़ा एक डिफरेंट सा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि इंसान जो सोचता है ना उस ट्रैक पे चल नहीं पाता, कोशिश करता है वो। मतलब मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा, आपने कहा कि मैं मेरी जिंदगी में बहुत फेलियर्स देखी हुई हैं। मतलब आपने बताया जैसे कि मैट्रिक में आप 6 दफा फेल हो गए, आपने सोचा कुछ और है, लेकिन होते होते जिंदगी आपको एक ट्रेजेक्टरी के ट्रैक पे लेते हुए यहाँ लेकर आ गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज है। नहीं, मैट्रिक में कौन सी मर्तबा फेल हुआ? अल्लाह की कसम है, कसमें साढ़े पास पे ने एक बार भी पास हो जाते साढ़े को नहीं होना इन्होंने। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। तो बात यह है कि सोचते इंसान कुछ और है लेकिन पहुंच कहीं और जाता है। मैंने सोचा है मैं तो CSP ऑफिसर बनूंगा, मैंने सोचा है मैं तो बिजनेस करूंगा, मैंने सोचा है मैं तो ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊंगा, लेकिन जिंदगी आपको घुमाते फिराते यहाँ लेके आती है। एक जो हॉबी आपकी होती है, हॉबी से स्टार्ट होते वो आपका पेशा बन जाता है वो। तो मैं इस तरह एक
एक्सीडेंटल कह लें या एक फेट के जो एक कागज किश्ती समंदर में चली जाती है वो बहती पहुंच जाती है, मैं भी यहाँ पहुंच गया। अच्छा, तो ये बहना कहाँ पे शुरू हुई थी? ये बहना सर कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट हो गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या ड्रामेटिक्स में थे आप? नहीं, बड़ा अब ये भी बड़ा एक बिल्कुल कोई अदर नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा फनी से है कि मुझे पोर्टफोलियो करवाने का शौक था, मैंने यार कपड़े अच्छे कभी पहन लिए, साफ सुथरे हो गए तो लोग कहते यार बड़ा अच्छा दिख रहा है यार। पोर्टफोलियो बनवाया था आपने? पोर्टफोलियो बनवाया, मैंने खावर भाई को फोन किया, मैंने कहा जी कॉलेज के किसी लड़के ने कहा कि यार वो फोटोग्राफर बहुत अच्छे उनके पास गवर्नमेंट कॉलेज में, वो हमारा टेलीफोन बहुत था वहाँ से कॉल की कि सर वो मैं ये। उन्होंने कहा बेटा करते क्या हो? मैंने कहा मैं तो पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा तो वो पोर्टफोलियो के पैसे कहाँ से दोगे? तो वो बात नहीं बनी। बल्कि उसी साल में मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में ना फीस कंसेशन का एक मैंने देखा, हमारी क्लास का लड़का था, वो फीस कंसेशन के चला गया वो, तो उसको मैंने देखा, मैंने सोचा यार ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। आप यकीन करें मैंने भी उसको किया और वो जो फीस जमा करवाई थी उसका मुझे 35% रिम्बर्स हो गया और मैंने पहला पोर्टफोलियो हार्वर्ड से जा करवा लिया। अच्छा, जस्ट इमेजिन की जिंदगी आपको किस तरह आपके लिए रास्ते बनाती है या चीज़ें आपके लिए प्लेसिंग की जा रही होती है। एक दो महीने के बाद पहला कमर्शियल की ऑफर आ गई। इनके साथ तो ये हुआ, आपके साथ क्या हुआ आप बताना चाहेंगे? मैंने स्टडी तो गुजरात से किया, आई एम फ्रॉम गुजरात बेसिकली। गुजरात से? यस, पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीकॉम। लेकिन मैं करना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, ठीक है, मेरे डैड का प्रेशर था यू हैव टू डू दिस, बट मेरे अंदर था लाइक स्टार्टिंग से बचपन से आई हैव टू डू समथिंग, मुझे मॉडल बनना है, मुझे टीवी पे आना है, ये करना है, वो करना है। सो आई जस्ट रिसेंटली स्टार्ट बिफोर लाइक 3 months 4 months से। आप मॉडलों की भी की जिंदगी, सारी जिंदगी मैंने मॉडल बनना है, मॉडल बनना है, जो 30 साल दे फिर मैंने अब किसी की बहू बनना है। उनको तो नहीं था पहले कि उन्होंने मॉडलिंग करनी है? मुझे बचपन से था। आपको बचपन से? मुझे बचपन से शौक था कि मुझे टीवी पे आना है, लाइक मुझे मॉडलिंग करनी है। आपकी फेवरेट मॉडल्स थी जिनको आप देखती थी? बिल्कुल, महरीन मेरी बहुत फेवरेट मॉडल थी। अच्छा, महरीन सही है, ठीक है। मैं बहुत, इमान अली बहुत अच्छी मॉडल थी। इमान अली, तो यार मैं हमेशा उनको देखा करती थी, आई ऑलवेज वांट टू डू दिस। तो महरीन सैयद और इमान अली वर योर फेवरेट्स? आपके थे कोई फेवरेट, ऑल्दो यू वर नॉट थिंकिंग ऑफ यू नो परस्यूइंग एक्टिंग, बट डिड यू हैव एनी एक्टर्स? देखिए उस वक्त तो ऐसा कोई चीज नहीं थी, इतनी जरा निकल भी रही थी, लेकिन आई थिंक उस वक्त इमाद इरफानी थे, उनको देखते थे। जो आप पूछ रहे हैं कि वो आइडलाइज था, नहीं हुआ आइडलाइज नहीं, मगर कोई एक होता है जिनका आप काम देख रहे होते हैं, आपको होता है कि यार हाँ, जिस तरह आपने सब कहा कि इमाद इरफानी हमेशा एक बड़े जबरदस्त मॉडल रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम मैंने भी उनको देखा, मैं कहा यार हाँ भाई, इस भाई का बनता है, ये मॉडल होना चाहिए इनको, वो हो गए। और उससे पहले एक फारूक मनान हुआ करते थे, वो बड़े जबरदस्त मॉडल रहे हैं अपने जमाने में, मैं आदम देखते थे उनको। इसी तरह बहुत से दोस्त हमारे ऐसे जो कि आपको देख के लगता है कि यार ये, इसी सिमिलरली कई लोगों की एक्टिंग आपको देख के उसमें लगता था कि यार एक्टिंग बड़ी कमाल करते हैं, तो ये एक्टर तो बनता है। और उसके बाद आपने एक्टिंग में प्रोग्रेस कर लिया, यू शिफ्टेड फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग। आई वुड से कि आई वाज ड्रिवन बैक। अच्छा, व्हाई? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तो सिर्फ हॉबी के तौर पर उससे लेके चल रहा था, बिकॉज आई हैव नो टेंशन कि मैं जाके एक्टिंग करूंगा, बिकॉज दैट टाइम एक्टिंग वॉज कंसिडर अ फुल टाइम जॉब। वो ना पैसा था उस वक्त। जब फवाद आया है ना, फवाद ने आके जो ट्रेंड सेट किया है, कुछ ड्रामा इंडस्ट्री हमारी फ्लोरिश की है, तब लगा कि यार हाँ कुछ चीज़ें हैं। फिर एक दो ऑफर आ गई, फिर वो पहला मैंने प्ले किया बाबुल की दुआएं, लीड पे था वो, वो 200-250 एपिसोड की, वो फिर एक एक चीज़ चल पड़ी। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब इसी तरह देना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको कोई खींच के ले के आता है ना, प्लेस कर रहा होता है, आपको ज़िंदगी ऐसी प्लेस करती है, आपके मौके कहीं से बन जाते हैं। यानी कि आपको कुदरत ने ज़्यादा चीज़ों में डाला है। Exactly, मैं आपको तो ये मानना है। मैं बता रहा हूँ, मैंने आई पीयर्ड इन सीएस एग्जाम, आई हैड ऑल बिल्ड प्रिपरेशन, काजम लाइब्रेरी में सुबह 8 से रात 8 तक बैठ के तैयारी कर रहा होता था, और बाद में आई एम एंड अप कि मैं यहाँ बैठा हूँ। आपका है कोई एक्टिंग वगैरह का? यू जस्ट वांट टू डू मॉडलिंग? अभी सिर्फ मेरा मॉडलिंग का प्लान। यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत से मॉडल्स जो है वो एक्टर्स बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, लेकिन अभी मेरा फोकस इस चीज की तरफ है। गोल्स आपने सेट किए हुए हैं अपने लिए? गोल्स बिल्कुल सेट किए हुए मैंने, अभी मुझे 2-3 साल बहुत काम करना है मॉडलिंग में, ठीक है। मकान बन रहे हैं इतना काम कर रहे हैं? इट्स अ पैशन ना, लाइक मुझे शौक है। अच्छा, मॉडलिंग में? मैं कहता हूं घर बन रहे हैं, इटा सुटनी है तुझे। हां जी, तो मुझे मेरे है ये गोल, लाइक कुछ बनना है, कुछ करना है। कुछ बनना है और कुछ करना है, क्या बनना है क्या करना है ये नहीं अभी आपने तयन किया? सुपर मॉडल। सुपर मॉडल बनना है, ठीक है। अगर आपको कुछ बनना है तो मेरे ख्वाबों की शहजादी बन जाए। सुपर मॉडल बनना है उन्होंने? सुपर मॉडल बनना है तो मैं बना दूंगा। ये देखिए, ये भी मैंने बनाया है। पहले सुपर मॉडल की स्पेलिंग बताओ। SUPER सुपर MODIL MODOL, पता नहीं इस तरह कोई है। किसी को परेशान तो कर देगी स्पेलिंग। SANCOOKER। ये दे दसो, क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा। चलो रास्ता पे सजाया तो नहीं जा सकता,
धन ऐसे बचाया तो नहीं जा सकता। जब से महंगा है मटन चिकन का सहारा था, वो भी महंगा है तो खाया तो नहीं जा सकता। जिस तरह आप चलाने की है कोशिश में हजूर, इस तरह मुल्क चलाया तो नहीं जा सकता। सही कह रहे हैं आप।